Hello everyone, welcome to my channel, Gunjan's Biology Classes. Myself, Dr. Gunjan Goyal, and आज हम करने वाले हैं part 3 हमारे chapter number 12 का of your class plus 1, that is mineral nutrition. तो mineral nutrition का जैसे कि आपको पहले ही पता है, हम इसके दो parts already cover कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ इसके मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया था कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, असेंशियल एलिमेंट्स में असेंशियलिटी क्या है कि उनको असेंशियल एलिमेंट्स बोला गया है और उनको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्लासिफाई किया गया है. देन हमने सेकेंड पार्ट की वीडियो में हमने कवर किया था कि मैक्रो और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हम लोगों ने सोर्स पढ़े थे कि प्लांट्स उनको किस तरह से, किस फॉर्म में, किस आयंस की फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को, और उसके बाद कि प्लांट्स में अगर उनकी कमी हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आता है और उसका कहाँ पे यूजफुल रहते हैं, कहाँ पे उनकी इम्पोर्टेंस है इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, प्लांट्स में किस पार्ट में कहाँ रिक्वायरमेंट है. तो आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं इस चैप्टर का, और इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट करें. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर कंटेंट पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हम इस पार्ट में कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू डू इन दिस इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स. तो पहले वाले में मैंने आपको पहले भी बताया था एलिमेंट्स जो भी हैं, हम मैक्रो और माइक्रो कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में मेजरली हम स्टडी करने वाले हैं. सो हम उनके तीन चीजें पढ़ते हैं. पहला सोर्स कि कहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं. दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि इनकी इम्पोर्टेंस कहाँ पे है प्लांट्स में, ठीक है. अब हम थर्ड चीज पढ़ेंगे डेफिशिएंसी, जो हम इस पार्ट में कवर करेंगे. इसकी डेफिशिएंसी के बारे में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स की. देन डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी मैंने आपको पहले भी बताया था डिफरेंस, बट इसमें मैं आपको रिपीट करूंगी इस बारे में. देन हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स का, जो हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, बट इसमें हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे इस चीज का. देन सॉल्यूट्स की ट्रांसलोकेशन एंड सॉइल जो है उसके अंदर सारे असेंशियल एलिमेंट्स पड़े होते हैं. सो ये सब टॉपिक्स हम बेसिकली, ये तीनों टॉपिक्स ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं, इसमें हम जस्ट एक इसको रिपीट करने वाले. देन मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन जो है ये बहुत असेंशियल एलिमेंट है प्लांट्स के लिए, और सॉइल में इसकी बहुत कमी हो जाती है बिकॉज प्लांट्स को ये काफी चीजों के लिए रिक्वायर्ड होता है. तो इसके और सोर्सेज भी हैं जो प्लांट्स लेती है, ठीक है, नाइट्रोजन को. तो उसको हम नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे. नाइट्रोजन साइकिल आप लोग सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट इस बार हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. और तीन तरह से नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, ठीक है. तो उसमें से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. फिर हम सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में स्टडी करेंगे. और इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं. तो नोड्यूल्स में आपको बताऊंगी कि नोड्यूल्स होता क्या है और उनकी जो स्टेजेस हैं वो किस तरह से बनती हैं प्लांट्स में. तो ये सिम्बायोटिक के बाद का रिलेटेड टॉपिक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नाइट्रोजन साइकिल और एक नोड्यूल की फॉर्मेशन, ठीक है. उसके बाद जो अमोनिया होता है, ठीक है, NH4 पॉजिटिव जो बनता है, या अमोनिया NH3 बनता है, NH4 पॉजिटिव के आयंस में प्रेजेंट होता है. सो उसका फेट क्या रहता है उसके बाद, ये नाइट्रोजन साइकिल के बाद के ही टॉपिक्स है, सब इंटरकनेक्टेड हैं. तो दो स्टेप्स होते हैं, रिडक्टिव अमाइनेशन और ट्रांस अमाइनेशन. तो इन दोनों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक नंबर 1 ऑफ दिस पार्ट, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स. So, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर प्लांट्स में हर असेंशियल एलिमेंट्स, जितने भी हम लोगों ने पहले बोले कि असेंशियल एलिमेंट्स है, कुछ 60 के आसपास असेंशियल एलिमेंट्स है, ठीक है, जो प्लांट्स में होते हैं, बेसिकली
105 एलिमेंट्स जो अभी तक हम लोग ऑब्जर्व कर पाए हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से 60 प्लांट्स में पाए जाते हैं और उनमें से 14 ही एसेंशियल होते हैं, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो में उसको हमने डिविजन की थी। अब इसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक फंक्शनिंग है प्लांट्स में, पर वो एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में ही प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं, तो वो सॉइल से मतलब एब्जॉर्ब करता है बट उसको कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में ही रिक्वायर्ड होते हैं। पर अगर वो प्लांट में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, ठीक है, उसको उतनी सफिशियंट अमाउंट में वो नहीं मिलता, सो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, तो डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी वर्ड आप समझ चुके होंगे, अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की प्लांट में कमी हो जाती है तो वो डेफिशिएंसी कहलाती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो जो भी कंसंट्रेशन है असेंशियल एलिमेंट की, वो एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में ही प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है और उस स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन को हम क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कोई भी ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जिसमें असेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट ग्रोथ के लिए मतलब कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच, जिस कंसंट्रेशन से नीचे, अगर जितनी कंसंट्रेशन प्लांट्स को रिक्वायर्ड है उससे कम हो जाए और जिससे प्लांट अपनी ग्रोथ रिटार्डेड शो करे, प्लांट की ग्रोथ पे इंपैक्ट आए, उसको हम लोग क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं और प्लांट्स को हम डेफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी, उस एलिमेंट को हम डेफिशिएंट बोलते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कोई भी कंसंट्रेशन एट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज नोन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, और वो एलिमेंट इज टर्म्ड एज डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की कमी होने से या उसके ना होने से, जो भी मॉर्फोलॉजिकल जो विजिबल चेंजेस हमें प्लांट्स में दिखते हैं उसको डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहा जाता है। और ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं ये प्लांट्स में वेरी करते हैं, ठीक है, और ये एलिमेंट टू एलिमेंट भी वेरी करते हैं। अगर किसी एक एलिमेंट की कमी होगी तो उसका डेफिशिएंट सिस्टम, सपोज अगर बोरोन की कमी है तो उसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, आयरन की कमी के सिम्टम्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लांट पार्ट जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? एलिमेंट की मोबिलिटी पे, ठीक है। मोबाइल और इमोबाइल का कॉन्सेप्ट एक आता है जिसके रिगार्डिंग आपको नीट में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी बन सकते हैं। तो मोबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट के ऊपर डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है डिपेंड करते हैं। तो मोबिलिटी का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो जो हमारे ओल्डर लीव्स होते हैं वो शेड करने से पहले अपने सारे न्यूट्रिएंट्स यंगर लीव्स में ट्रांसफर कर जाते हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसे मतलब कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स वो ट्रांसफर कर गया, तो जो सबसे पहले जो सिम्टम्स आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो सिम्टम कहाँ पे आएगा? ओल्डर लीफ में। तो इस चीज को हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स एक्टिवली मोबिलाइज्ड हैं और यंग डेवलपिंग टिश्यूज में जो मोबाइल जो मूव कर जाते हैं फ्रॉम ओल्डर पार्ट्स, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स किस में आ जाता है? ओल्डर लीफ में। और उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो भी ओल्डर टू यंगर लीफ में ट्रांसफर करे न्यूट्रिएंट्स वो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, और जिनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स सबसे पहले ओल्डर लीफ में आते हैं, ठीक है। तो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये जो ऐसे हैं, अगर इनकी इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो सबसे पहले सेनिसेंट लीव्स या फिर हम एजिंग लीव्स में बोल सकते हैं, ठीक है, एजिंग लीव्स में सिम्टम्स विजिबल होते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो पहले जिनके सिम्टम्स यंगर लीव की बजाय ओल्डर लीव में दिखें, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ओल्डर टू यंगर लीव ट्रांसफर हो जाते हैं, जो नहीं हो पाते दैट मींस कमी की वजह से नहीं हो पा रहे, और वो कमी के सिम्टम्स कहाँ पे दिखेंगे हमें? ओल्डर लीव्स में, ठीक है।
तो इस पिक्चर में आपको ये भी दिखाया गया है कि ये चार्ट मैंने आपको एक जस्ट ओवरव्यू के लिए दिया है कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये इस पिक्चर में शो किए गए हैं। जैसे कि बोरोन है कि लीफ अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो लीफ बड्स डी कलर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कलरिंग चेंज हो रही है, जो बर्ड्स हैं वो ड्रूप करने लग जाते हैं, वो गिरने लग जाते हैं, टूट के गिरने लग जाते हैं बोरोन की कमी से। सिमिलरली सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके अलग अलग उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं प्लांट्स में, ठीक है। और ये प्लांट टू प्लांट भी कलर वेरी कर जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा मोबाइल का, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, यंगर लीव्स में, जबकि जो इमोबाइल है हमारे पास। मोबाइल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो भी ओल्डर लीव्स में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो यंगर लीव्स में ट्रांसफर कर जाते हैं, और जो भी अगर किसी पर्टिकुलर जो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब उनकी कमी हो गई, उनकी कमी होने के कारण जो पहला इम्पैक्ट आएगा वो हमारे पास ओल्डर लीव्स में आएगा, डाइंग लीव्स में आएगा, ठीक है, वो मोबाइल का कॉन्सेप्ट हो गया। व्हेयरएज इमोबाइल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो जो मेच्योर ऑर्गन से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, सपोज ओल्डर लीव से यंगर लीव की तरफ ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, तो जो भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले कहाँ पे आएंगे, यंगर टिश्यू से, और क्योंकि वो एलिमेंट्स डायरेक्टली सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। तो उस यंगर टिश्यूज के पास, यंगर लीव्स के पास जो भी वो एलिमेंट थे वो सॉइल से आ रहे थे, तो वो ओल्डर से लीव्स में नहीं ट्रांसफर कर पा रहे थे, ठीक है, वो मोबाइल नहीं कर पा रहे थे। दैट मीन्स जो सिम्टम्स पहले अपियर होंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स, वो यंगर लीव्स में अपियर होंगे, तो उसको हम लोग इमोबाइल बोलेंगे। जो ओल्डर टू यंगर मोबाइल कर पा रहे थे उसको मोबाइल बोलते हैं एलिमेंट्स को, जो यंग ओल्डर टू यंगर मोबाइल नहीं कर पा रहे, मूव नहीं कर पा रहे, उसको इमोबाइल बोलेंगे। जो तो मूव कर गए, ठीक है, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो ओल्डर लीव्स में पहले दिखेगी, और जो नहीं मूव कर सकते और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो गई है तो वो यंगर लीव्स में पहले दिखेगी। तो उसमें आपका सल्फर और कैल्शियम एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इजिली रिलीज नहीं कर पाते। तो अब जो एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। और जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कमी डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स प्लांट्स में शो करती है, इनकी डेफिशिएंसी और इनकी एब्सेंस डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स शो करती है। जैसे कि इस पिक्चर में अगर यंग लीव्स में आयरन की कमी हो रही है तो वो येलो हो जाएंगे या फिर थोड़ा सा व्हाइट पैचेस उनमें बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो प्लांट्स में देखने को आपको मिलते हैं और वो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण होते हैं, जैसे कि क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्री मेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स, एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन। सो ये जितने भी सिम्टम्स हैं आपको ये प्लांट्स में दिखने को मिलते हैं, आपने सुने होंगे ये वर्ड्स, तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं कि होते क्या क्या है, और पर ये होते क्यों है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये होते न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, ठीक है। तो आप देखिए पहली चीज आ जाती है हमारे पास क्लोरोसिस। सो क्लोरोसिस का क्या मतलब हुआ, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का लॉस जब प्लांट्स में हो जाता है तो वो येलो कलर के लीव्स हो जाते हैं। आप इसमें देखिए ये ग्रीन कलर के पीछे नॉर्मल लीव्स हैं और ये येलो कलर के होने स्टार्ट हो गए क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की कमी हो गई। दैट मीन्स ये क्लोरोसिस हो गया। और ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स किस किस में एलिमेंट्स में शो होती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम, ठीक है। इन सब एलिमेंट्स में से अगर किसी की भी डेफिशिएंसी हो रही है तो क्लोरोसिस होने के चांसेस प्लांट्स में ज्यादा है। क्लोरोसिस का सिंपल मीनिंग क्लोरोफिल की कमी येलोइंग कर रही है लीव्स को, ठीक है। देन आ जाता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब किसी भी टिश्यूज की डेथ हो जाना, मर जाना, ठीक है, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यूज का। तो आप देखिए नॉर्मल लीफ से कोई भी, जैसे इसमें पैचेस आ गए, ब्राउन स्पॉट्स आ गए, उसके बाद लीफ बिल्कुल सड़ गया है, मरने वाला है, तो इसका मतलब है वो नेक्रोसिस शो कर रहा है। और नेक्रोसिस किस किस की डेफिशिएंसी के कारण होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम, ठीक है।
सो ये हमने एक क्लोरोसिस पढ़ा, दूसरा हमने नेक्रोसिस पढ़ा। उसके बाद सेल डिवीजन की जो इनहिबिशन को कॉज करते हैं वो कौन से एलिमेंट्स करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर, मोलिब्डेनम। ठीक है, जो इन सब की डेफिशिएंसी जब लो होती है तो ये फ्लावरिंग को डिले कर देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स डेफिशिएंसी सेम सिम्टम्स भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्लोरोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है और किसकी डेफिशिएंसी से कौन सा सिम्टम प्लांट्स में आ सकता है। ठीक है, तो कुछ सिम्टम्स हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स बाकी हर प्लांट जो है, डिफरेंट प्लांट्स जो है, सेम एलिमेंट की डेफिशिएंसी अगर होती भी है दो प्लांट्स में तो वो सिम्टम्स डिफरेंट भी शो कर सकता है। तो सबको आप डिटेल में नहीं स्टडी कर सकते, तो आप फोकस सिर्फ एनसीईआरटी पे कीजिए। जो लाइंस एनसीईआरटी में दे रखी है वो सिंगल सिंगल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। तो मैंने आपको टॉक्सिसिटी का कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम भी समझाया था और डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी में डिफरेंस भी बताया था कि जो डेफिशिएंसी होती है तो मतलब किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना, टॉक्सिसिटी मतलब किसी न्यूट्रिएंट्स का मॉडरेट इंक्रीज हो जाना। ठीक है, प्लांट्स में अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की मॉडरेट इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स वो टॉक्सिक हो गया है, टॉक्सिसिटी कॉज कर दी उसने। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट्स कमी में भी अच्छे नहीं है और ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट भी अच्छे नहीं है। ठीक है, तो कोई भी टिश्यू कंसंट्रेशन अगर ड्राई वेट को 10% से ज्यादा या 10% रिड्यूस कर दे तो उसको हम लोग टॉक्सिक कंसंट्रेशन बोलते हैं। एनी टिश्यू कंसंट्रेशन जो ड्राई वेट को 10% से ज्यादा या 10% डिक्रीज कर दे उसको क्या बोला जाता है, टॉक्सिक कंसंट्रेशन। तो जो टॉक्सिक सिम्टम्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और वो डिफरेंट प्लांट्स में वेरी कर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे ये हेल्दी हमारा लीफ है। ठीक है, हेल्दी प्लांट है और इसमें मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो गई है। तो इसका सिम्टम आप देखिए किस तरह से आपको इस पिक्चर में क्लियर होगा, ये सिम्टम आपको दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ देखिए प्लांट नॉर्मल था। सो यू के सी द डिफरेंस। ठीक है, तो मैग्नीज की एक्सेस ऑफ मैग्नीज जो है वो डेफिशिएंसी इसके साथ और जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी डेफिशिएंसी ये कर देता है, किस किस की, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के साथ, ठीक है, कंपीट करता है अपटेक करने के लिए और मैग्नीशियम के जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ बाइंडिंग भी कर जाता है। ठीक है, मैग्नीज, तो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी, मैग्नीज की इंक्रीज होने के कारण बाकी एलिमेंट्स को ये ऊपर प्लांट्स में अब्सॉर्ब करने नहीं देता, उनकी कमी कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट्स में ये ऐसी इंपैक्ट आते हैं। तो ठीक है, हर किसी प्लांट का अपना अपना लेवल है एलिमेंट्स को लेने का। ठीक है, तो मैग्नीज जो है वो कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नीज की जो टॉक्सिसिटी है वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स बन जाती है आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। ठीक है, तो इसने तीनों जो ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके ऊपर इम्पैक्ट डाला, इनकी अपटेक में कमी कर दी और कम्पीट किया तो इनकी अपटेक नहीं हो पाई, इनकी अपटेक नहीं हो पाई तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण जो इनके रिगार्डिंग फंक्शनिंग हो रही थी वो प्लांट्स में पॉसिबल नहीं हो पा रही और प्लांट्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्रोड्यूस हो गए और प्लांट्स ने उसके इम्पैक्ट देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको प्रोमिनेंट सिम्टम देखना है तो ये आप देखिए यहाँ पे ब्राउन स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये ब्राउन स्पॉट्स जो दिख रहे हैं ना ये लीव्स में ये आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके, सो इसका मतलब है कि प्लांट्स में मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो गई है, ये एक एग्जाम्पल इसमें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपका सेकेंड टॉपिक आ जाता है कि नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स वो कैसे होता है, वो हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, हमने कैसे पढ़ा था, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के थ्रू। ठीक है, पहले तो जो इनवर्ड मूवमेंट हो रही है आयंस की, जो प्लांट्स है वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आयनिक फॉर्म में अब्सॉर्ब करते हैं, हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा है, लास्ट पीपीटी में भी पढ़ा है। तो जो इनवर्ड मूवमेंट होती है उसको इनफ्लक्स कहा जाता है, जो आउटवर्ड मूवमेंट होती है उसको ईफ्लक्स कहा जाता है। इनफ्लक्स मतलब इनवर्ड मूवमेंट हो रही है आयंस की सेल्स के अंदर और ईफ्लक्स मतलब आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है।
ठीक है, ई और आई से याद रखिए। देन इसमें दो फेजेस में एब्जॉर्प्शन होती है। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि पैसिव अपटेक हो गया आयंस का फ्री स्पेस में, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये वाला काम होता है वो एपोप्लास्ट करता है। एपोप्लास्ट ने यहाँ से यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, वो फ्री स्पेस से जा रहे हैं, ठीक है, जो इंटरसेलुलर स्पेस थी सेल्स के बीच में, तो उससे जाते हैं या सेल वॉल के थ्रू से चले जाते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, तो वो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती और वो एपोप्लास्ट के थ्रू आपकी मूवमेंट होती है, ठीक है। व्हेयरएज जब एंडोडर्मिस के बाहर, आपको ध्यान हो, एंडोडर्मिस के बाहर हमारा एक सुब्रिन की लेयर लगी होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जिसको बोलते हैं, जिसके कारण जो है एपोप्लास्ट उसके अंदर नहीं जा पाता, तो सिम्प्लास्ट काम करता है। तो वहां जहाँ सुब्रिन की डिपोजिशन कम होती है, तो वहां पे जो हमारा सिम्प्लास्ट है वो वहां पे मूव कर जाता है। वो उसके बीच में चैनल्स लगे होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से आयंस अंदर आ सकते हैं, वो स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं। वो सिम्प्लास्ट के थ्रू सेकेंड फेज में आपकी मूवमेंट होती है, और ये जो मूवमेंट है ये एनर्जी कंज्यूम करती है, इसलिए इसको एक्टिव प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है, ओके। ये एक रेपिटिशन था, बिकॉज लास्ट चैप्टर अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो लास्ट चैप्टर हमारा यही था, ट्रांसपोर्ट जो था उसी में आप सारा का सारा इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप उस स्लाइड्स को, उस पीपीटीज को, आप उस वीडियोस को दोबारा देखिए, सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ओके। देन इज ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होती है? जाइलम के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ साथ मिनरल आयंस भी नीचे सॉइल से अब्सॉर्ब होते हैं, सेपरेटली नहीं होते, वो वाटर के साथ ही ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको लास्ट वाले उसमें समझाया था जिसमें हमने जाइलम फ्लोएम का पूरा प्रोसेस ट्रांसलोकेशन स्टडी किया था, ठीक है। अगर आप ये जाइलम वेसल देखिए तो इसकी मूवमेंट जो है भी हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगी, वन वे मूवमेंट होती है, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस, अगर हम जाइलम सैप की, अगर प्रूफ क्या है कि मिनरल सॉल्ट जाइलम से ही एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि अगर जाइलम सैप की बात करें, सैप मतलब कि कौन सी चीजें प्लांट ने जाइलम में ऊपर की तरफ खींची सॉइल से, तो उसमें देखेंगे कि सैप जो है इसमें वाटर के साथ साथ मिनरल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं। दैट मींस कि जाइलम के साथ ही मिनरल आयंस ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जो मिनरल एलिमेंट्स हैं उसका यूज रेडियो आइसोटॉप्स में भी होता है, ठीक है। सो दीज टू थिंग्स शोज अस, प्रूव्स अस कि ट्रांसलोकेशन की जो सॉल्यूट्स की जो ट्रांसलोकेशन है वो जाइलम के थ्रू होती है अलोंग विद द वाटर। देन सॉइल एज अ रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, ये तो आप सबको पता है कि मैक्सिमम जो जितने भी हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? सॉइल में। वो आते कहाँ से हैं सॉइल में? वेदरिंग होती है, ब्रेकडाउन होती है रॉक्स की, जिसके कारण सॉइल में डिजॉल्व्ड आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही है कि सॉइल के अंदर ही सारे प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में आते कहाँ से? वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एनरिच कर देता है सॉइल को विद डिजॉल्व्ड आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ। अब इन सॉइल का रोल कहाँ कहाँ पे है, आपको अगर बेसिकली फंक्शन पूछा जाए सॉइल का, तो प्लांट्स के लिए कहाँ पे बेनिफिशियल है, वो क्या सप्लाई करता है? वाटर सप्लाई करता है और मिनरल आयंस सप्लाई करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हार्बर करता है, हेल्प करता है, और अदर माइक्रोब्स को भी हेल्प करता है। रूट्स को एयर सप्लाई करने का काम भी कौन करती है? सॉइल करती है, ठीक है। स्टेबलाइज भी करता है, एक्ट एज अ मैट्रिक्स, प्लांट्स को स्टेबलाइज भी करता है। तो ये चार फंक्शंस हैं जो आपको हम अभी तक सभी चैप्टर्स में, लास्ट चैप्टर और इस चैप्टर में स्टडी करते ही आ रहे हैं कि सॉइल एक रिजर्वॉयर है। सॉइल में बहुत क्वांटिटी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो पर जो उनकी क्वांटिटी होती है, अगर हम एरिया, बिकॉज सॉइल का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया होने के कारण, तो सॉइल में जो अमाउंट अगर हम देखें वो प्लांट के विद रिस्पेक्ट टू बहुत कम दिखेगी हमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, बट सॉइल एक अपने आप में इतना बड़ा रिजर्वायर है कि उसके अंदर बहुत कुछ प्रेजेंट है, और वो प्लांट्स को मिनरल और वाटर सप्लाई करता है, एयर सप्लाई करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हार्बर करता है, और प्लांट्स को स्टेबलाइज करने के लिए मैट्रिक्स का काम भी सॉइल ही करता है, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो इस चैप्टर का बहुत मेजर टॉपिक है, दैट इज नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म और नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, हम इस टॉपिक को इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन की साइकिल। नाइट्रोजन की साइकिल आई होप मतलब आप सब लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, बट इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो नाइट्रोजन ही क्यों, नाइट्रोजन ही क्यों, नाइट्रोजन जो होता है एक ऐसा एलिमेंट है जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, और ये जो एलिमेंट है ना ये प्लांट्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है ये एलिमेंट, और जो सॉइल में ये प्रेजेंट होता है ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो नाइट्रोजन जो है वो लिमिटेड न्यूट्रिएंट है नेचर के लिए भी और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए भी। ठीक है, तो हम अभी तक बात कर रहे थे नाइट्रोजन की भी, हम नाइट्रोजन को ही क्यों डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, प्रेविलेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ गया कि इसकी लिमिटेड नाइट्रोजन अवेलेबल है सॉइल के अंदर, जबकि ये लिमिटेड न्यूट्रिएंट है नेचर और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, तीसरी चीज कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है फॉर फिक्सेशन, और इसका काम बहुत जगह पे आता है, इसकी फंक्शनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर अगर हम अब इसमें नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो है इसमें तीन बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर दो नाइट्रोजन एटम्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे बोलते हैं, जो ये नाइट्रोजन है इसकी कन्वर्जन अमोनिया में, ठीक है, NH3 में इसको कन्वर्ट कर दें N2 को, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर आप इस पिक्चर में देखिए, इस साइकिल में देखिए कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, बिकॉज 78% के आसपास हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सॉइल में भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन। तो अब हमने क्या करना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करनी है, जो ऊपर हम एटमॉस्फेरिक उसमें प्रेजेंट है, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ नाइट्रो, कुछ फिक्सिंग बैक्टीरिया हेल्प करें उसको फिक्स करने के लिए, कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं। तो जो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, उसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, लाइटनिंग या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी लाइट्स जो होती हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है नाइट्रोजन को फर्दर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, NO, NO2, N2O, इन तीनों में जो नाइट्रोजन है कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्जन में हेल्प कौन करता है, यूवी रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट या पावर जनरेटिंग स्टेशन हैं, ये भी सोर्सेज है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का। ठीक है, तो अगर आप इस बेसिक पिक्चर में देखिए, यहाँ पे आप देखिए प्लांट्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसकी फिक्सेशन हुई विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसने इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको इसने फर्दर NO3 में कन्वर्ट कर दिया, NO3 में या फिर N2 में, NO2 में। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं तीनों फॉर्म्स में नाइट्रोजन को लेते हैं, NO3 की फॉर्म में सबसे ज्यादा फेवर में लेता है प्लांट, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अब्सॉर्ब करता है, NO2 नेगेटिव की फॉर्म में भी ले सकता है और NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में भी ले लेता है। ठीक है, अमोनिया की प्रेजेंट में भी थोड़ा सा वो चला जाता है। उसके बाद जब ये प्लांट्स ने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है कुछ एनवायरमेंट में भी रिलीज हो जाता है, जिसको हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। NO3 से N2 की फॉर्म में कुछ ये ऊपर चला गया, तो इसको डीनाइट्रिफिकेशन भी बोला जाता है। तो बेसिकली इसमें हमने आपको इस पिक्चर में क्या दिखाया है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से भी प्लांट्स ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ से उसकी कन्वर्जन हो जाती है, उसको यहाँ पे NO3 की फॉर्म में भी ले लेते हैं, ठीक है, NO2 की फॉर्म में भी ले लेते हैं, और बाकी कुछ ये वापस से एनवायरमेंट में भी सेंड कर देते हैं, जो कि नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो सारी की सारी कन्वर्जन होती हैं,
ये कुछ बैक्टीरियाज ही करते हैं, ठीक है, ये कुछ बैक्टीरियाज करते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप इस पिक्चर में देखिए कि डीकम्पोजिशन, अगर पहली चीज तो हो गई कि नाइट्रिफिकेशन हुई, प्लांट्स ने एसिमिलेट कर लिया, उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन हो गई कि एक्सेस वाला ऊपर चला गया, उसके बाद कुछ प्लांट्स को एनिमल्स ने खा लिया, एनिमल्स में नाइट्रोजन प्लांट्स से ही आएगा, ठीक है, प्लांट्स को एनिमल्स ने खा लिया, तो जब वो सपोज वो एनिमल मर गया, ठीक है, उसके बाद प्लांट्स भी मर गए, वो सॉइल में चले गए, तो उनकी जो डीकम्पोजिशन है उस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की, ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया, ठीक है, उसको हम लोग अमोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। जो प्लांट्स मर गए और जो एनिमल्स मर गए और वापस से वो मतलब सॉइल में सपोज डीकम्पोज हो गए, उसके बाद वो उनका जो सारा कंटेंट था वो सॉइल के अंदर आ गया, तो उस प्रोसेस को हम लोग अमोनिफिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको कई तरह से फिक्सेशन होती है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री भी फिक्स करती है नाइट्रोजन को, ठीक है, पहली फिक्सेशन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, दूसरी इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, ठीक है, तीसरी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई। तो इन दोनों को हम लोग इतना डिटेल में नहीं स्टडी करने वाले, बस हम ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन इंडस्ट्री से भी हो जाती है, वो N2 से NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होती है, वो N2 से NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है जो N2 से NH3 में कन्वर्ट करती है, ठीक है, उसके बाद जो NH3 है, ठीक है, ये NO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, NH3 जब NO2 में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास दो बैक्टीरिया काम करते हैं, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोसोकोकस, ठीक है, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमनास, ये दोनों NH3 को NO2 में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप ये रिएक्शन देखिए, दो अमोनियम आयन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम करते हैं, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं ये, तो इनकी कन्वर्जन कर देते हैं ये, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, 2NO2 नेगेटिव, 2H पॉजिटिव रिलीज हो जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। उसके बाद ये NO2 जो है ये फर्दर NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो जो ये NO2 NO3 में कन्वर्ट होता है ये कौन करता है? बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम होता है, 2NO2 नेगेटिव ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 2NO3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों स्टेप्स हुए इसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा नाइट्रिफिकेशन, पहले हुई हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारा प्लांट्स में सॉइल में आ गया NH3 में, उसके बाद इसको नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस ने NO2 में कन्वर्ट कर दिया, NO2 नेगेटिव में, NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोबैक्टर में, और ये प्रोसेस हमारा नाइट्रिफिकेशन कहता है। उसके बाद जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया था नाइट्रेट वो ट्रांसपोर्ट कर दिया लीव्स में, लीव्स में से कुछ जो है वो रिड्यूस हो गया अमोनिया की फॉर्म में, जो कि अमाइन ग्रुप बन गया अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, क्या किया प्लांट्स ने, नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद उसने उसको रिड्यूस किया अमोनिया में, अमोनिया कहाँ पे यूज होगा, अमाइनो एसिड्स बनाएगा, अमाइनो एसिड्स में जो अमाइन ग्रुप बनता है वो इसी से बनता है, ठीक है, उस तरह से फर्दर उसकी फंक्शनिंग प्लांट्स में हो जाती है। Whereas, जो NO3 negative है, ठीक है, जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर वो फर्दर हमारा रिड्यूस भी हो जाता है एटमोसफेयर के अंदर, जो कि वापस N2 बन जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। NO3 नेगेटिव से NO2 N2 में कन्वर्जन हो जाना, ठीक है, कुछ जो सॉइल में प्रेजेंट है नाइट्रेट वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, रिड्यूस हो जाते हैं, और वो कौन से बैक्टीरिया करते हैं, सीडोमोनास और थायोबैसिलस, ये दोनों बैक्टीरिया इस काम में हेल्प करते हैं, NO3 नेगेटिव को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में रिड्यूस करने में सीडोमोनास और थायोबैसिलस हेल्प करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जो था प्लांट्स में से, ठीक है, अपटेक ले लिया प्लांट्स ने, ले लिया प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल्स ने खाया, उसके बाद प्लांट्स की भी डीकम्पोजिशन होती है, वो भी मरते हैं, एनिमल्स भी मर जाते हैं, ठीक है, ये दोनों डिके हो गए, ये दोनों मर गए, ये सॉइल में आ गए, और ये सॉइल में जो था इसके बाद इन्होंने इसको ऑर्गेनिक जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट था इसके अंदर इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम लोग अमोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है।
उसको प्रोसेस को NO3 को फर्दर उन्होंने NH3 में कन्वर्ट कर दिया, उस प्रोसेस को हम लोग अमोनीफिकेशन बोलते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गया हो। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तीन तरह से फिक्स होती है, फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल NH3 में N2 को NH3 में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल N2 को NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NH3 में फिक्स करती है, उसके बाद NH3 जो है सम बैक्टीरिया की हेल्प से NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद NO2 नेगेटिव NO3 में हो जाता है, ठीक है। ये इसको, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये नाइट्रिफिकेशन में उसके बाद क्या होता है कि कुछ NO3 नेगेटिव जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल्स में, वो वापस से ऊपर की तरफ क्या नाम है, सॉरी, एयर में हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद जो ये वाला जो हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं, प्लांट सबसे फेवरली NO3 नेगेटिव को अपटेक करता है, उसके बाद वो उसको वापस से अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया जो होता है लीव्स में जाके, ठीक है, फिर वो आगे किस में हेल्प करता है, अमाइन ग्रुप बन जाता है अमाइनो एसिड्स का, और वो आगे प्रोटीन्स बनाता है बॉडी में। उसके बाद प्लांट्स में आ गए, ठीक है, ये प्लांट्स का हमने प्रोसेस कर दिया, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, अब नाइट्रोजन एनिमल्स में भी आ गया। इन दोनों की डीकम्पोजिशन होगी, दोनों दोनों की डेथ हो गई, दोनों जो है उनकी डीकम्पोजिशन हो गई, बायोमास बन गया। वो बायोमास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल मी, इनटू अमोनिया, और उस प्रोसेस को हम लोग अमोनीफिकेशन बोलेंगे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू। अमोनीफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कौन से माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ही क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की रिडक्शन अमोनिया में बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम। तो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं, अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आता है, तीन बॉन्ड्स हैं इसमें, ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम की हेल्प से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये अमोनिया सॉइल में आ गया हमारा, ठीक है, ये क्या करते हैं, अमोनिया से NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा। अब हम देखते हैं कि कुछ ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में N2 की फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज होती हैं जो नाइट्रोजनस एंजाइम जिनके पास होता है और वो फिक्स करती है नाइट्रोजन को, उसको नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है, ठीक है। नाइट्रोजनस एंजाइम कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज के पास ही होता है जो कि N2 को NH3 में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। अब बेसिकली NH3 में कन्वर्ट हो चुका है हमारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, अब इसको किस में कन्वर्ट होना है, इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट होना है। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़े नाइट्रोसोमोनास, है ना, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर, ये जो तीन है NH3 को NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव में फिक्स करते हैं, आगे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो फिक्सिंग माइक्रोब्स हैं हमारे पास, वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्री लिविंग, एक होते हैं हमारे पास सिम्बायोटिक। अब फ्री लिविंग मतलब जो कि अकेले काम करते हैं, सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में काम करते हैं, कि इकट्ठे काम करते हैं वो रूट्स के साथ, उनको देते भी हैं कुछ, उनसे लेते भी हैं, यानी कि दोनों को पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है दोनों के ऊपर। सो हम पहले वाले पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स जो हम पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियाज पढ़ रहे हैं, वो फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकेंड इज एनएरोबिक। यूजुअली जो फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं उसकी, ठीक है, अगर एरोबिक की हम लोग बात करें तो उसमें दो हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, पहला है अजोटोबैक्टर एंड दूसरा है बैजरनीकिया, ठीक है, और रोडोस्पायरिलम और बेसिलस जो है वो एनारोबिक है, ठीक है। वेयर एज तीसरा जो है माइक्रोब्स के साथ साथ हमारे पास बैक्टीरिया के साथ साथ साइनोबैक्टीरिया भी काम करता है, ठीक है, वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने में दो तरह के माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया और दूसरा साइनोबैक्टीरिया, उसमें भी फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में।
फ्री लिविंग में एरोबिक, एनएरोबिक और फिर साइनोबैक्टीरिया। एरोबिक में एजोटोबैक्टर एंड बैजरनीकिया, एनएरोबिक में हमारे पास रोडोस्पाइरेलियम और बेसिलस एंड साइनोबैक्टीरिया में एनाबिना एंड नॉस्टॉक। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे इसमें पिक्चर्स दिखा रखे हैं कि एजोटोबैक्टर कैसा दिखता है, एनाबिना किस तरह का दिखता है, रोडोस्पाइरेलियम, नॉस्टॉक। ठीक है, रूट नोड्यूल, अगर हम अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करें तो राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में काम करता है रूट के साथ, तो वो नोड्यूल्स फॉर्म कर लेता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप इस पिक्चर में देखिए, ये गोले गोले से आपको ये सर्कल्स की फॉर्म में दिख रहे हैं, तो ये नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टडी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, हम सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि यूजुअली जो होता है, जो ये फिक्सिंग होती है, ये इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस चाहिए होती है, उसमें ये अच्छे से फिक्स कर पाता है, नाइट्रोजन जो है अच्छे से फिक्स कर पाता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में वो कोई भी ऐसे बैक्टीरिया, कोई भी ऐसे सिम्बाइंट्स जो सिम्बाइंट्स की तरह काम करते हैं रूट नोड्यूल्स के साथ, रूट्स के साथ। ठीक है, तो अब जैसे लेग्यूम और बैक्टीरिया का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसमें देखी जाती है, जितनी भी लेग्यूमिनस फैमिलीज है, जितनी पल्सेस, दाल्स है, इन सब में जो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो पहली चीज आ गई, लेग्यूम और बैक्टीरिया की रिलेशनशिप जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होनी चाहिए। किस किस में होती है, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में। अब इसमें एग्जाम्पल्स आ गई राइजोबियम की। जो राइजोबियम होता है वो रोड शेप का होता है। ठीक है, ये राइजोबियम है, ये रोड शेप का होता है, ये रूट्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूम्स के। अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, ये लेग्यूम्स की एग्जाम्पल्स होगी। गार्डन पी हो गया, क्लोवर बीन्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, पी हो गया। ठीक है, स्वीट पी, गार्डन पी, सारे के सारे जितने भी है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है, इन सब के अंदर राइजोबियम जो है रूट्स की साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है। माइक्रोब्स कौन सी काम करती हैं, फ्रेंकिया, फ्रेंकिया काम करती हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस की बात कर रहे थे हम लोग अभी तक, राइजोबियम की बात कर रहे थे। राइजोबियम जो है हमारे लेग्यूम्स के रूट्स में साथ में प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज अगर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करें, जैसे कि एलनस की एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें कौन सा माइक्रोब काम करता है, फ्रेंकिया। ठीक है, अब राइजोबियम और फ्रेंकिया जो है दोनों के दोनों वैसे फ्री लिविंग फॉर्म में भी प्रेजेंट है सॉइल में, बट वो सिम्बाइंट्स की तरह भी नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। और सिम्बाइंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, जो राइजोबियम है वो लेग्यूमिनस में है, जो फ्रेंकिया है वो नॉन लेग्यूमिनस में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग सेंट्रल पार्ट देखते हैं नोड्यूल्स का, अगर आप नोड्यूल की बात करें, नोड्यूल रूट नोड्यूल्स जो होते हैं बनते हैं, अगर उसका सेंट्रल पार्ट देखें तो वो रेड या फिर पिंक कलर का होता है, क्योंकि वो लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन है, उसको लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो या फ्री लिविंग है, दो तरह के माइक्रोब्स काम करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, पहले बैक्टीरिया, दूसरे साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में फ्री लिविंग बैक्टीरिया और सिम्बाइंट्स बैक्टीरिया, फ्री लिविंग में एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक कंडीशंस में एनारोबिक बैक्टीरिया, और थर्ड हमारे पास आ जाती है कैटेगरी साइनोबैक्टीरिया की। उसके बाद हमारे पास आती है बारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स की। सिम्बाइंट्स जो होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो जो सिम्बाइट्स है राइजोबियम काम करता है वो किस में प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स के। दूसरा आ जाता है हमारे पास फ्रेंकिया माइक्रोब, जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, नोड्यूल्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वो किस में प्रेजेंट होता है, एलनस में। अब हम नोड्यूल्स की अगर बात करें, अगर नोड्यूल का सेंट्रल पार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप ओवरव्यू करके देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको रेड कलर का यहाँ पे दिखेगा या फिर पिंक कलर का दिखेगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका फंक्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है। अब हम बात कर रहे हैं जो अगर हम लोग लेग हीमोग्लोबिन की बात करें, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जितनी नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्लांट्स में होती है,
ठीक है, अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में वो काम कर रहा है तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ज्यादा अच्छे से होती है, अंडर एनरोबिक कंडीशन ज्यादा अच्छे से होती है। तो जो लेग हीमोग्लोबिन है इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचने ना देना। तो ये एक स्ट्रक्चर सा फॉर्म कर लेता है यहाँ पे, तो यहाँ जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस तक नहीं पहुंच पाता और नाइट्रोजन की फिक्सेशन अच्छे से हो जाती है, इसलिए इसको लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि नोड्यूल्स की फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल स्टेजेस, ये मैंने एक ही स्लाइड में बना रखी है सारी की सारी स्टेजेस है कि नोड्यूल्स जो हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं। तो अब आप इस पिक्चर में देखिए, अगर इस पिक्चर में मैं बात करूं तो ये रूट है हमारा, ठीक है, ये रूट है, इसमें ये रूट की हमारा हेयर आ गया, रूट का हेयर आ गया, ठीक है, और ये हमारी कॉर्टेक्स हो गई, ठीक है, ये कॉर्टेक्स हो गई, तो ये सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सारे सारे सॉइल पार्टिकल्स है, ये रूट हेयर हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गई, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पे रूट्स बने हुए हैं, रूट के हेयर्स निकले हुए हैं, और ये कॉर्टेक्स हो गई। अब यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, बैक्टीरिया कौन से, राइजोबियम भी प्रेजेंट है, तो राइजोबियम कुछ रिलीज करता है, ठीक है, राइजोबियम मल्टीप्लाई करके रूट्स के आसपास, ठीक है, रूट्स के आसपास सराउंड कर लेता है और इसके रूट हेयर्स पे अटैच हो जाता है ये बैक्टीरिया सॉइल में से, ठीक है, सपोज कुछ इसने यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज किया और यहाँ से बैक्टीरिया क्या हुए, इसके आसपास इकट्ठे हो गए और इसको कॉलोनाइज कर दिया इसके आसपास, ठीक है, अटैच होके इकट्ठे होके अटैच होके बैठ गए रूट हेयर्स के ऊपर, ठीक है, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी, कैसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो ये रूट था इसने यहाँ पे कर्लिंग शो कर दी, ये यहाँ पे एक हुक शेप स्ट्रक्चर बन गया, इसने यहाँ पे रूट हेयर ने यहाँ पे कर्ल कर लिया, ठीक है, इसका कर्ल करने के कारण जो बैक्टीरिया थे वो रूट हेयर के अंदर इन्वेड कर गए, ठीक है, वो अंदर चले गए रूट हेयर के अंदर, ये जो बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया, अब इस थर्ड स्टेप में देखिए, ये बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं तो इन्होंने एक इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म कर लिया, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया जिसके अंदर बैक्टीरिया थे, वो यहाँ से रूट हेयर से होते हुए एपिडर्मल लेयर से होते हुए कोर्टेक्स तक पहुंच गए। अब ये कोर्टेक्स तक, ठीक है, कोर्टेक्स तक यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ पे उन्होंने अपनी डिविजन स्टार्ट कर दी, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर दी अपने सेल्स की, जिसके कारण क्या हुआ कि अब अगर आप देखें ये एपिडर्मिस थी, ठीक है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो ये बाहर की लेयर जो होती है ये एपिडर्मिस होती है, ये आपका रूट हेयर था, रूट्स थे यहाँ पे, यहाँ ये रूट हेयर था, ये जो रीजन होता है ये कोर्टेक्स होता है, ठीक है, ये कोर्टेक्स हो गया, इसकी अंदर की रीजन हो गया पेरिसाइकल, उसके बाद यहाँ पे एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस में हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो कि अंदर उसको मूव नहीं करने देती, हमने पहले भी पढ़ा था, उसके अंदर हमारे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो जो ये कोर्टेक्स और पेरिसाइकल सेल्स हैं यहाँ पे, इनमें जो इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म हुआ था बैक्टीरिया का, इन्होंने डिफ्रेंसिएशन शुरू कर दी अपनी, जिसके कारण ये अंदर वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम तक पहुंच सके, और वहां पे पहुंचने का क्या मतलब है, वहां पे ये लोग मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सके होस्ट के साथ, तो यहाँ पे ये लोग कुछ देंगे उससे, नाइट्रोजन को फिक्स करके इन्होंने नाइट्रोजन दे दिया, ठीक है जी, हमने पहले भी पढ़ा था सिम्प्लास्ट के थ्रू एंडोडर्मिस को क्रॉस करेगा, पहले एपोप्लास्ट के थ्रू आया फिर सिम्प्लास्ट के थ्रू वो क्रॉस करेगा वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे वो लोग जाइलम और फ्लोएम तक पहुंचना चाहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स तक वो पहुंच गए, वहां से वो लोग एक्सचेंज कर लेते हैं मटेरियल्स को, तो दोनों के दोनों को यहाँ पे बेनिफिट होता है, तो बैक्टीरिया इसीलिए काम करते हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में काम करते हैं, यानी कि कुछ देते हैं और कुछ ले लेते हैं चीजें, ठीक है। सो ये स्टेप्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए कि रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है, ये देखिए रूट हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल्स में से इन्होंने कुछ केमिकल्स रिलीज किया, सो बैक्टीरिया इसके आसपास आके अटैच हो गए, इसके कारण रूट हेयर्स ने एक हुक शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, यहाँ से बैक्टीरिया इन्वेड कर गए, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म कर लिया जिसके कारण वो अंदर के सेल्स तक पहुंच के यहाँ पे उन्होंने डिफ्रेंसिएशन शुरू कर दी और वेस्कुलर बंडल्स के साथ जाके अपना एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया और ये मैच्योर नोड्यूल बन गया,
उस कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने का काम क्या है कि वो वहां पे म्यूचुअल एक्सचेंज कर सके न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रो ओके नोड्यूल्स के अंदर एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, ठीक है। नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजिनेज और लेग हीमोग्लोबिन एक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजिनेज जो है मॉलिब्डेनम और आयरन का बना हुआ होता है। ये आप देखिए यहाँ पे आपको लास्ट चैप्टर याद होगा जिसमें मैं आपको बता रही थी कि मॉलिब्डेनम और आयरन जो है उसकी फंक्शनिंग कहाँ पे आती है, इसमें नाइट्रोजिनेज में। सो नाइट्रोजिनेज एक मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, वो क्या करता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके अंदर, ठीक है, और ये नाइट्रोजिनेस N2 को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमारा अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। अमोनिया जो सिंथेसाइज हुआ उसने क्या किया, 8 ATP फॉर ईच NH3, एक NH3 को हमें फिक्स करने के लिए 8 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू वो होस्ट सेल से एनर्जी ले लेते हैं। तो N2 जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 H पॉजिटिव यानी कि 16 ATP उसने यूज किए, तो यहाँ पे हमारे पास दो अमोनिया बन गए। एक अमोनिया बनाने के लिए 8 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, तो दो अमोनिया बनाने के लिए 16 ATP की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। उसके बाद एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स और ADP की फॉर्म में रिलीज आउट हो गई, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया है ATP से और 16 ADP रिलीज आउट हो गए। तो ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स के कारण हुआ। तो नाइट्रोजिनेस जो है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ज्यादा अच्छे से हो पाती है, ठीक है। तो ये इसका रीजन ही क्या है कि ऐसा क्यों हो पाता है, बिकॉज नाइट्रोजिनेज जो हमारा एंजाइम है वो बहुत सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। उसको एनरोबिक कंडीशंस चाहिए होती हैं ताकि वो अपने आप को ऑक्सीजन से प्रिवेंट कर सके, ठीक है। ऑक्सीजन को यूज नहीं करना उसको। और इसमें हमारा काम कौन करता है, लेग हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन को नाइट्रोजिनेज तक पहुंचने नहीं देता, तो इसको हम लोग ऑक्सीजन स्कवेंजर का काम भी नाम भी देते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजन स्क्वेंजर। तो आप इसमें देखिए नोड्यूल्स के अंदर ये एक रेड या फिर पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जिसको हम लोग लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये जो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं फ्री लिविंग कंडीशंस में एरोब्स की तरह रहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, जबकि नाइट्रोजिनेज जो है उस टाइम पे ऑपरेशनल नहीं होता। पर जब नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स होते हैं तो ये एनरोबिक बन जाता है। हम लेग हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं कि ये लेग हीमोग्लोबिन है, अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस जो है वो एरोबिक फॉर्म में रहता है। बट अगर नाइट्रोजिनेज की जब नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट हो रहा है, नाइट्रोजन को हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम पे ये एनरोबिक बन जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है ताकि ये नाइट्रोजिनेज को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, तो इस पिक्चर में आपको सारे के सारे स्टेप्स दिखा रखे हैं कि यहाँ पे देखिए एंजाइम नाइट्रोजिनेस आया। सबसे पहले हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में आया। N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स लगे हुए दो N2 एटम्स में। एंजाइम नाइट्रोजिनेस आया, एंजाइम नाइट्रोजिनेस ने इसके साथ आके बाउंड कर लिया सबस्ट्रेट के साथ, N2 के साथ आके जुड़ गया। इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुई। रिडक्शन कैसे हुई, दो H पॉजिटिव आए, इसका एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड टूट के एक इधर लग गया H और एक इधर H लग गया, ठीक है। उसके बाद फर्दर रिडक्शन हुई, 2H आयंस आए, इसकी जो डबल बॉन्ड रह गए थे अब ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक कर गया, एक बॉन्ड यहाँ एक H और जुड़ गया साथ में, ठीक है। तो दो 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 H मॉलिक्यूल्स ऊपर जुड़ गए, दो H मॉलिक्यूल्स नीचे जुड़ गए, ठीक है, और इसके बॉन्ड ब्रेक होते गए। फर्दर इसकी रिडक्शन हुई, ठीक है, इसके अंदर जो है
जो सिंगल बॉन्ड भी था वो भी ब्रेक कर गया, और ये तीनों एक एक एन के साथ तीन तीन एच मॉलिक्यूल एच एटम्स लग गए। तो अब ये नाइट्रोजिनेज जो है उसने अपना काम कर दिया एंजाइम ने, इसने क्या किया कि प्रोडक्ट्स को रिलीज कर दिया अमोनिया की फॉर्म में, और नाइट्रोजिनेज जो था वो फर्दर बाइंड कर जाएगा अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है। इस पिक्चर में आपको क्लियर होगा कि किस तरह से एंजाइम नाइट्रोजिनेज N2 के साथ आके बाइंड कर गया और उसकी तीन बार रिडक्शन हुई, एक एक बॉन्ड उसका ब्रेक होता चला गया, थ्री से टू बॉन्ड्स बन गए, टू से वन बन गया, वन भी ब्रेक होके फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट अमोनिया था वो रिलीज हो गया, और जो ये नाइट्रोजिनेज फ्री हो गया था ये वापस से दूसरे N2 के साथ जाके बाइंड कर गया ताकि उसको फर्दर फिक्स कर सके। ठीक है, तो जैसे इस रिएक्शन में मैंने आपको बताया एक N2 को फिक्स करने के लिए हमें एक NH3 को बनाने के लिए हमें 8 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, तो दो NH3 बनाने के लिए हमें 16 ATP मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फेट ऑफ अमोनिया पे, जो इसका लास्ट टॉपिक है कि अमोनिया जो बना ठीक है उसका क्या होता है आगे। तो जो फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो अमोनिया जो होता है वो NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अमोनियम आयन्स बन जाते हैं उसके। पर ये जो प्लांट्स होते हैं ये NH4 पॉजिटिव को ठीक है डायरेक्टली एसिमिलेट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ठीक है कुछ बच जाता है प्लांट्स के पास, वो टॉक्सिक रह जाता है। ठीक है, कुछ तो प्लांट्स ले लेते हैं, नाइट्रेट ले लेते हैं और NH4 पॉजिटिव ले लेते हैं, बट कुछ जो है वो बच जाते हैं, तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर, इसके कारण वो टॉक्सिक बन जाते हैं। सो जो प्लांट्स में है NH4 पॉजिटिव फर्दर ये सिंथेसाइज हो जाता है अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए बाय टू वेज। ठीक है, फर्स्ट इज रिडक्टिव अमाइनेशन एंड सेकेंड इज ट्रांस अमाइनेशन। समझ आया नहीं समझ आया? चलो हम दोबारा से देखते हैं कि अमोनिया जो हमारे पास बना ठीक है, N2 जो है उसने फिक्स N2 को नाइट्रोजिनेस एंजाइम ने फिक्स कर दिया, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। अब जो अमोनिया बना ठीक है, अमोनिया उसका होता क्या है, कुछ जो अमोनिया है उसको अमोनियम आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है एक फिजियोलॉजिकल पीएच की एक पर्टिकुलर पीएच पे अमोनिया जो है NH3 NH4 पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट हो गया। अब प्लांट्स जो क्या करते हैं NH4 पॉजिटिव और नाइट्रेट्स को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर सारा का सारा NH4 पॉजिटिव एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, मोस्ट ऑफ देम कर लेते हैं, बाकी वो प्लांट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, कुछ को तो यूज कर लेते हैं, कुछ एक्यूमुलेट हो जाता है, जो एक्यूमुलेट हो जाता है वो टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, बाकी जो प्लांट्स यूज कर लेते हैं उसको यूज किस तरह से करते हैं, ठीक है नाइट्रोजन NH4 पॉजिटिव को यूज किस तरह से करते हैं, उसको अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। तो वो दो तरह से हमारी होती है अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस, रिडक्टिव अमाइनेशन एंड ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन। तो इस अगर फर्स्ट रिएक्शन में आप देखिए कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट आएगा वो अमोनिया को ठीक है अमोनिया की प्रेजेंस में NADPH को NADP में कन्वर्ट करेगा और ग्लूटामेट बना देगा। सो ग्लूटामेट जो होता है हमारा सबसे पहला अमाइनो एसिड है जो वो बनता है। ठीक है, अमोनिया अल्फा कीटो ग्लूटरेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया। सो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एंजाइम काम करता है इसमें और वो NADPH को NADP में कन्वर्ट कर देता है। जबकि ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो पहला अमाइनो एसिड बना वो ट्रांस अमाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो अल्फा कीटो एसिड वन बन गया, और जो ये अल्फा कीटो एसिड वन है ये पीएलपी की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड सेकेंड अमाइनो एसिड बन जाते हैं। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या बात कर रहे थे, अमोनिया के फेट की। सो अब हम देखते हैं कि जो अमोनियम आयन्स प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किए वो किस तरह से उसका यूज करते हैं प्लांट्स, उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने में या अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने में अमोनियम आयन्स का यूज होता है। तो पहली चीज होती है हमारी रिडक्टिव अमाइनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ,
अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. सो इसमें जैसे हमने पहले ही देखा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड आया, वो अमोनियम आयंस की प्रेजेंस में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस ने क्या किया, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया और NADPH को NADP में, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो गया. ठीक है, ये हुआ किसकी प्रेजेंस में, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस की. तो यानी कि ये रिडक्टिव अमाइनेशन हो गई, अमाइन ग्रुप निकल के यहाँ पे अटैच हो गया. ठीक है, तो हमारा जो पहला अमाइनो एसिड बनता है वो ग्लूटामिक एसिड बनता है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड आती है हमारी ट्रांस अमाइनेशन. ट्रांस अमाइनेशन में क्या हुआ कि जो अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, NH2 ग्रुप है, वो एक अमाइनो एसिड से कीटो एसिड के कीटो ग्रुप में जाके लग जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एक अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, NH2 जो है, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव लगा हुआ है, यहाँ से, ठीक है, अमाइनो, ये अमाइन, इसने अमाइन ग्रुप को डोनेट करना है. किसको देना है, इसको देना है. ठीक है, तो ये जो R1 था, यहाँ से अमाइनो ग्रुप निकला, ठीक है, ये कहाँ लग गया जाके, इसके पास लग गया, तो ये यहाँ पे यहाँ जाके अटैच हो गया. तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा अमाइनो, इसने अमाइनो ने डोनेट कर दिया, ये वाला ग्रुप यहाँ जाके अटैच होना है इसने इस कार्बन मॉलिक्यूल के साथ. तो आप देखिए, ये जो R1 था, ये R1 वाला ग्रुप जो है, यहाँ से अमाइनो ग्रुप रिलीज हो गया, और ये जो R2 था, यहाँ पे R2 के साथ जाके ये अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया. ठीक है, और ये हुआ किसकी प्रेजेंस में, हमारा ट्रांस अमाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड से निकल के दूसरे कीटो एसिड के दूसरे कीटो ग्रुप के साथ जाके जुड़ गया इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांस अमाइनेज एंजाइम. और जो ग्लूटामिक एसिड है वो मेन अमाइनो एसिड है जहां से NH2 ग्रुप की ट्रांसफर होती है और दूसरे अदर अमाइनो एसिड के साथ जाके जुड़ जाता है, उसको हम लोग ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं. ठीक है, पीछे आप देखिए, आपने पीछे क्या देखा था कि ग्लूटामिक एसिड किस तरह से बना. तो ये पहला अमाइनो एसिड है जो फॉर्म होता है, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड अमोनियम आयंस की प्रेजेंस में ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब इसके बाद जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड क्या करता है कि अपना अमाइनो ग्रुप इसमें से NH2 ग्रुप निकाल के ये दे देता है और दूसरे अमाइनो एसिड को फॉर्म करने में हेल्प करता है. इस रिएक्शन को हम लोग ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं. ठीक है, जो एस्पैराजिन और ग्लूटामिन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, अगर ये दो जो ये फॉर्म क्या कहाँ से होते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो हैं, वो अमाइनो ग्रुप्स, अगर आप इस पिक्चर में देखिए, पहले हमारे सबसे पहले क्या बना, ग्लूटामिक एसिड बना हमारा. ग्लूटामिक एसिड से अमाइनो ग्रुप जो है उसमें से NH2 ग्रुप वो आगे देता रहता है और बाकी अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन वो करता रहता है, जिसको हम लोग ट्रांस अमाइनेशन का नाम देते हैं. ठीक है, अब कुछ अमाइड्स जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है देन दी अमाइनो एसिड्स, सो वो भी प्लांट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वाया जाइलम वेसल्स. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने दो रिएक्शन की बात करी कि नाइट्रोजन ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस एंजाइम ने फिक्स किया और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया. अमोनिया जो है एक पर्टिकुलर pH पे अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और वो अमोनियम आयंस जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से, और जब उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो कुछ तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में और बाकी टॉक्सिसिटी की फॉर्म में उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर कुछ एक्यूमुलेट हो गए और जिसके कारण उसमें टॉक्सिसिटी भी आ जाती है. तो जो अमोनियम आयंस प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किए थे और जिसको यूटिलाइज करा अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन के लिए, वो दो तरह से होती है. पहली होती है रिडक्टिव अमाइनेशन, जैसे आपने देखा कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड बना. ठीक है, और दूसरी हो जाती है हमारी ट्रांस अमाइनेशन की, एक अमाइनो ग्रुप से अमाइनो एसिड निकल के दूसरे के साथ जाके अटैच हो जाता है, वो नया अमाइनो एसिड बन जाता है. सो दिस कवर्स योर दिस चैप्टर
this particular chapter. So I hope this topic is clear with you. This particular video is the most important part of this chapter, because nitrogen cycle, root nodule ki formation, uske pure ke pure steps jo hain wo bahut important hain. आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए. अगर आपको कोई डाउट लगे तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल. ओके, एंड विल डू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास प्लस वन इज फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस हम इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे. सो बिफोर दैट आप ये चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए एनसीईआरटी में, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो.